फूड से मासूम से दो किटन देख सकते हैं। सबसे बेहतर नस्ल वाली चाहिए है गोल्डन ईगल। जिसका सर व्हाइट होता है और पीछे से गोल्डन होता है वो है। जहाज पूरा जहाज बहुत ही क्यूट से मासूम से दो किटन देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है स्पेशली जो कैट लवर्स हैं उनके लिए होने वाली है। लास्ट में मैंने आपके लिए बर्ड्स की वीडियो बनाई थी, डॉग्स की बनाई थी, लेकिन किटन्स की हमने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि उस वक्त जो है वो किटन्स अवेलेबल नहीं थे अच्छे। लेकिन उस वक्त जो है वो काफ़ी सारे किटन्स की जो वैरायटी है वो यहाँ पर मौजूद है, डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट जो नस्ल है उनकी मौजूद है। तो आइए आपको दिखाते हैं चल के कि कौन कौन से किटन्स जो है किस तरह के यहाँ पर मौजूद हैं और क्या क्या उनकी प्राइजेज हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? जुम्मा खान। जुम्मा खान मैंने बताइए कि काफी सारे किटन आपके पास इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा ये कौन कौन सी नस्ल है, ये कौन सी नस्ल है किटन? ये पर्शियन ट्रिपल कोडेड है। ठीक हो गया। अच्छा ट्रिपल कोडेड, इसकी आईज जो है वो और डाल दे, मतलब एक इसकी आंख जो है वो, हाँ ये अलग है, अलग है। एक इसकी ब्लू आई है और एक इसकी जो है वो ब्राउन आई है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा और ये वाला जो किटन है ये भी पर्शियन ही है? ये पिकी पंच में पर्शियन जो है पिकी पंच में, पिकी पंच पे है। सही हो गया। अच्छा ये बताएं कि ये वाले जो है किटन इसकी क्या प्राइस है? इसका प्राइस रखा है हमने 15,000 रुपए। 15,000 रुपए जी। और इस वाले का? ये जो है 22,000 रुपए का है, पिकी पंच है, अभी छोटा है, 1.5 महीने का है। 22,000 जी। क्यों? महंगा होता है। अच्छा और ये कौन सा फेस है? ये डॉल फेस है? नहीं नहीं पर्शियन नहीं है, सारा पर्शियन कहलाता है इसको। अच्छा टिक्की पंच अलग होता है, जिसका बड़ा उसका माँ बाप जो पड़ा हुआ है मेरे पास तकरीबन 60,000 रुपये का माँ मांग रहे हैं मुझसे और 1,00,000 रुपये का बाप। किसका? हाँ ये मतलब अच्छी नस्ल है ये। हाँ ये सबसे बेहतर नस्ल ये वाली। कोड भी चेक कर सकते हो आप लोग ट्रिपल कोड में। तो मजे की बात बताऊं कि मेरे पास जो मेरा बिल्ला है वो ये वाली नस्ल का है, तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास जो बिल्ला है वो सबसे अच्छी नस्ल का बिल्ला है। मेरे पास बिल्कुल, मैंने अपना बिल्ला लिया था वो सेम बिल्कुल ऐसे ही था बचपन में, सेम टू सेम। तो अभी ये बड़ा हो गया है, आपको रेट लगा दें। तो 5 महीने का हो गया है। हाँ ठीक है, अभी बच्चे और भी दिखाते हैं और नस्ल के भी सारी वैरायटीज है। ये सारे पेकी पंच हैं? ये चारों पेकी पंच में। और ये चारों एक ही माँ के बच्चे हैं? हाँ ये चारों एक ही माँ के। तो क्यूट, ये निकालें जरा बाहर ये वाला। हाँ जी ये देखिए जरा आप, गोल्डन सी, गोल्डन सी बिल्कुल सेम टू सेम मेरा बिल्ला जो है उसकी तरह से। और इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसका भी वही रेट है, 22,000 रुपए। कोई कमी बेशी हो जाएगी? 20,000 रुपए तक हो जाएगा। 20,000 से कम नहीं होगा? 20,000 से कम नहीं। और ये है कितने मंथ के? ये तकरीबन 1.5 महीने का। 1.5 महीने का है जी। तो सेल्फ फीड पर ये खुद ही खा रहे हैं? ये खुद खा रहे हैं, वो चिकन अभी डाला है ना वो देखो खा रहे हैं सब बच्चे। अच्छा मैं आपको ये वाइट वाले की पैकिंग करके ये बच्चा मेरा बच्चा मान करी कमाशल। ये भी मतलब ये सारे चारों बहन भाई हैं, ये ब्लू आईज में हैं। हां ब्लू आईज में। और इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? वही है, एक ही रेट है, 20,000 जी फाइनल जी। माशाल्लाह भाई बहुत ही खूबसूरत किटन यहाँ पर मौजूद है। अच्छा और दिखाइए कि ये थोड़े एक्सपेंसिव वाले हो गए जी। हम वाले किटन जो है वो कौन से होंगे? इनका फर भी आप ये देख सकते हैं कि इनका फर, फिर आप ये देखिए इनका फर चेक करिए।
घर चेक करिए, मतलब पूरा भालू है, भालू कहते ना छोटा सा, बिल्कुल टेडी बियर, छोटा टेडी बियर बिल्कुल, ये बिल्ली का बच्चा नहीं है, टेडी बियर। अब आपको और बच्चे दिखाते हैं जो इतना ही बड़े बालों में, लेकिन उसका जो है वो पर्शियन है। हाँ ये बच्चा है, ये कितने कूट है जी, ये इसकी क्या प्राइस है? इसका 9,000 रुपये। 9,000 रुपये फाइनल? फाइनल फाइनल 8.5 तक कर देंगे, फाइनल 8.5 तक कर देंगे। और वो जो अंदर ग्राउंड वाला रखा हुआ है, अब ये दिखा, ये भी पर्शियन है या पैकी बनते? नहीं नहीं पर्शियन में, देखो ये भी बिल्कुल उसी तरह बालू है। अगर इसे थोड़ा सा फेस मुझे पैकी पंच टाइप लग रहा है, नहीं नकल में फर्क होता है। हाँ पर्शियन है। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसका 12,000 रुपये फाइनल। फाइनल 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 12,000 रुपये जी, ठीक हो गया। अच्छा और भी जो है वो बस ये सारे इधर पड़े, कैमरा करीब करके देख लीजिए, ये जितने भी स्केज में है वो 10-12 हज़ार जी, 10,000, 12,000 और 9,500 तक। और ये क्या एज है? ये सारे पर्शियन में ट्रिपल कोट में, तकरीबन 1.5 महीने के, इसमें एक बच्चे ऐसे है कि वो 2 महीने तक, 1.5 महीने के हैं सर जी। ये वाला देख ये कौन कौन वाइट वाला, ये क्या है? होता ये है गोल्डन ईगल, ये काफी बड़ा है भाई। हाँ काफी बड़ा है। ये किस लिए यहाँ पर होता है, मतलब लोग ये खरीदते हैं? ये जी लोग खरीदते हैं, ये शेख लोग इनका शौक करते हैं। क्यों खरीदते हैं? शिकार के लिए। अच्छा जी, तो ये फुल साइज इससे बड़ा भी होता है? नहीं ये काफी और बड़ा होगा, ये अभी पता है। हाँ कितने महीने का, साल का? ये तकरीबन अभी 4 साल का है, इसका एज होता है तकरीबन 70 साल तक। ये 70 साल तक जी। और ये आंखों पे क्या लगा है इसके? ये उसका केप था कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे बाहर निकालते हो हाथ पे या हाँ। छोटा जगह है तो केप पहना दो। काट नहीं लेते पर अपना ओढ़ा देते ना तो जख्मी कर रहे हैं अपने पर को। हाँ कीमत क्या है इसकी? इसका कीमत रखा है 55,000 रुपये। 55,000 रुपये। और ये खाता पीता क्या है? गोश्त खाता है, कच्चा गोश्त खिलाते हैं। कच्चा गोश्त जी। ये तकरीबन इसी उम्र में, ये तकरीबन इस टाइम पे 15 से 16 किलो वजन उठाते हैं अपने पाँव में। हाँ कितने केजी का होगा ये? तकरीबन 8 केजी का। हाँ जी इस तरह उठा लो। हमारे घर तो नहीं, खूब भाई खूब भाई बस नहीं मैं आपको दिखा के दिखाता हूँ। अच्छा माशाल्लाह से काफी वजनी है। अच्छा तो ये आप इसकी 55,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं? 55,000 रुपये डिमांड कर रहा हूँ। इसका जो पट्टा पड़ा हुआ है वो 22,000 रुपये 20,000 रुपये तक देते हैं। अच्छा बच्चा भी पड़ा हुआ? बच्चा कहाँ है इसका? ये देख कितने खतरनाक है ये। ये बच्चा है, ये कितने दिन का है इसका? ये तकरीबन अभी 1.5 साल का है। ये 1.5 साल का बच्चा है जी। वैसे इसको रखने के क्या फायदे हैं, क्या मतलब क्यों पालते हैं लोग? लोग शौक करते हैं, देखो शेर भी लोगों ने रखे हुए घर पे, ये भी एक शौक है, शेख लोग रखते हैं तो अभी ये शौक जो है ये पाकिस्तान में भी आला हो गया। और ये आते कहाँ से? पाकिस्तान में ही मिलते हैं या बाहर के से मंगवाते? बाहर से मंगवाता हूँ, ये बलूचिस्तान गिलगित पेशावर इन इलाकों में पाए जाते हैं। उनको पकड़ना तो बड़ा मुश्किल होता होगा? लोग पकड़ते हैं, शिकार करते हैं। फाइनल फाइनल आप अगर कोई खरीदना चाहे तो इसके फाइनल फाइनल क्या हो जाएंगे? 50,000 रुपये तक कर देंगे। 50,000 रुपये तक जी। गोल्डन ईगल है जी? गोल्डन ईगल। और इसके देखें अगर मैं खोल के दिखाऊं आपको? और काफी बड़े हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ओए होए ओए होए पूरा जहाज लग रहा है। हाँ दूसरा क्यों क्यों पूरा जहाज है, जहाज पूरा जहाज।
से मासूम से दो किटन देख सकते हैं। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।